भारत जिले के अंता में नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई, जिसमें 192 नामांकन पत्रों में से 49 नामांकन पत्र खारिज किए गए, जिनमें भाजपा के 3 प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज हुए। ऐसे में इनके स्थान पर डमी नामांकन भरने के कारण इनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। एसडीओ रजत विजयवर्गीय ने बताया है कि नगर पालिका के चुनाव को लेकर 35 वार्डों के लिए 159 प्रत्याशियों द्वारा 192 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से समीक्षा के बाद 49 नामांकन खारिज किए गए हैं। ऐसे में 132 प्रत्याशी फिलहाल चुनाव मैदान में हैं तथा 3 दिसंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को होने वाले चुनावों को लेकर कस्बे में प्रचार प्रसार नजर आने लगा है। प्रत्याशियों द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 35 वार्डों में 23,909 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी के लिए 50 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत 192 नॉमिनेशन फॉर्म में से 49 रिजेक्ट होने के बाद में 143 नामांकन पत्र अवशेष रह गए हैं और 132 उम्मीदवार नाम निर्देशन के लिए अब 132 कैंडिडेट अब रह गए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि चुनाव में कोविड का ध्यान रखें और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान का हमारा भरपूर प्रयास है।